संयुक्त जनमोर्चा ने विधायक विनय सक्सेना से मुलाकात की। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में विधायक द्वारा क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इस संदर्भ में संयुक्त जनमोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपकर जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि उनके द्वारा उत्तर मध्य विधानसभा की सड़कें सुधारने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लगभग 50 गार्डन के उन्नयन का कार्य चल रहा है। उनके द्वारा फ्लाई ओवर को दमोह नाका चौक तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त जनमोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से क्षेत्रीय समस्याओं जैसे कि कचरा कलेक्शन, नालियों की सफाई, दवाओं का छिड़काव आदि को युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने की मांग की है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त जनमोर्चा के माध्यम से आज उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विनय सक्सेना को ज्ञापन देकर उनके द्वारा उत्तर मध्य विधानसभा में जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं या उनका आगे विकास कार्य करने का जो भी रोड मैप है उसको सार्वजनिक करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। श्री विनय सक्सेना द्वारा संयुक्त जन मोर्चा के प्रतिनिधियों को बताया गया कि उनके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं और आगे क्या कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त जन मोर्चा के प्रतिनिधियों द्वारा जो भी क्षेत्रीय समस्याओं को सामने लाया गया, उनके सामने बताया गया, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। इसके अतिरिक्त ये कहना चाहूँगा कि संयुक्त जन मोर्चा द्वारा संपूर्ण प्रदेश के सभी विधायकों को क्रमशः पहले जबलपुर के सभी क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन सौंपकर इसी तरीके से जो भी उनकी विकास कार्य होंगे या जो रोड मैप होगा उसको सार्वजनिक करने की मांग की जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।